औसम से नज़ारे के साथ शिशु वाटरफॉल को बाय बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं बारालाचा पास की तरफ। वो देखो पहाड़ पे देख रहे हो, ऊपर बर्फ ही बर्फ है। टांडी में ये दो नदियों का मिलन हो रहा है भाई। किलोंग में लास्ट फिल स्टेशन है, उसके बाद सीधे आपको 330 किलोमीटर दूर मिलेगा। नमस्ते, पानी पिला दो दीदी, एक बोतल। थैंक यू। तो भाई सारा कुछ सेट हो चुका है भाई, बहुत मेहनत लगता है यार सेट करने में। ओ भाई सब मेरी हालत खराब हो गई। तो गाइज निकल रहे हम अपने होटल से अब जय श्री राम का नाम लेके, औसम से नज़ारे के साथ शिशु वाटरफॉल को बाय बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं बारालाचा पास की तरफ। वाह भैया वाह वाह। स्पीति के बाद जो पहाड़ आते हैं ना, देख रहे हो एकदम खुले हुए, मतलब कि लाइक काले काले टाइप के पहाड़ है, और ऊपर में पूरे बादल और सारे में ना आइस वगैरह। और अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ऊपर से जो ग्लेशियर है ना, बर्फ बर्फ वो पिघल रही है ना, तो वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। कल भी मैं जब वहाँ पे स्पीति शिशु में था वाटरफॉल के पास, जो पानी थे ना, पानी में हाथ लगा के ना आप 10 सेकंड तक रख नहीं सकते, इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा था पानी। ये दिखाता हूँ मैं, देखो ये ना ग्लेशियर, ग्लेशियर से पानी नीचे आ रहा है, बर्फ पिघल रही है। तब भाई साहब देखने में तो यार कितना खतरनाक ही लगता है भाई, नज़ारे का क्या कहना। बादल एकदम पहाड़ का चुम्मी ले रखा है, एकदम गले लगा रखा है, देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं रोक के दिखाता हूँ आपको, वो देखो, वो देख रहे हो ऊपर ग्लेशियर है, नीचे एकदम पानी आ रहा है, और यही पानी नीचे जा करके ना इस रिवर में मिलती है। भाई साहब अद्भुत। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हल्का 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 हल्का। और वो देखो यार लाल कलर का घर एकदम टॉप पे, मतलब तीन घर है वहाँ पे, क्या ही मस्त लग रहा है। और वो देखो भाई, वो देखो पहाड़ पे देख रहे हो, ऊपर बर्फ ही बर्फ है, और ये एकदम सीधा गुफा दिख रही है ना जो अभी दिखा रहा था मैं वहाँ से। भाई साहब क्या ही बताओ, मैं तो पागल हो गया हूँ, एकदम नेक्स्ट लेवल। हो भैया, भाई साहब वहाँ रुक गए, चलो उनके पास ही चलते हैं। भाई हम लोग चलते चलते पहुँच चुके इस खूबसूरत से विलेज में जिसका नाम है टांडी, और यहाँ पे भी बहुत सारे कैफे और होम स्टे वगैरह है। ऑलमोस्ट लाइक हम लोग कितने किलोमीटर आ गए, 32 किलोमीटर तो नहीं है, लास्ट पेट्रोल पंप बताया था, ये तो पेट्रोल पंप है ही, इसके बाद जो एकदम लास्ट पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल लूँगा। ऑल्दो मेरे पास आधा टंकी से ऊपर पेट्रोल है भाई, एकदम प्यार हो रखा है इस बाइक से, एकदम खम मतलब खून चूसती नहीं है ये। भाई साहब पेट्रोल लेंगे, मैं कह रहा हूँ आगे ले लेंगे ना, आगे जो लास्ट पेट्रोल पंप है। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, चलो है? चलो नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोच के चलो। देखो भाई ये पिलर पता है क्या, ये लग रहा है ना पूरा चट्टान को रोक के रखा है, देखो कैसे लग रहा है ये, एकदम एक पिलर है, ऊपर रोड है शायद, क्या आई डोंट नो बट सही है। ला ला ला, यहाँ के गांव भी ना मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कोई कस्बा टाइप का, मतलब 10 घर उधर, 10 घर उधर, 5 घर उधर, ऐसे होते हैं, ये नहीं कि एक ही जगह सारा हो। टांडी में ये दो नदियों का मिलन हो रहा है भाई, अभी चल के आगे देखते थोड़ा और कहाँ से ये पानी जा रही है, ये तो चर्चा का विषय है गाइस। देख रहे हो, देख रहे हो इस पॉइंट को, उधर से भी पानी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और ये नदी में मिल रही है, सही है। और ये छोटे मोटे मार्केट है यहाँ के टांडी गांव के। होम स्टेज के ऑप्शन तो भाई हर जगह मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव, नॉमिनल है, लाइक आपको अराउंड 700 से लेके ना 1200 तक के बीच में मिल जाएगा। तो अगर 2 से 3 लोग हो तो आप कैलकुलेट कर लो कितना खर्चा आएगा और क्या। हुई हुई हुई, ये ब्रिज नाइस। तो
तो भाई अभी तक यहाँ तक अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, देख के क्यों भाग रहे हो, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को, फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ फटाफट, रील्स दिखाता हूँ तुम्हें इन सब लोकेशन की मस्त मस्त, जल्दी आ जाओ। मोटो ब्लॉग एक्सप्लोर स्लैश विजय, बोलने का नहीं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे पेट्रोल लेने, मैंने भैया को बोला चलो आगे ले लेंगे, ज़्यादा नहीं 330 किलोमीटर ही दूर है, तो ये कह रहे नहीं यहीं ले लेता। ये तांडी के बाद किलोंग है, ये किलोंग में लास्ट फ्यूल स्टेशन है, उसके बाद सीधे आपको 330 किलोमीटर दूर मिलेगा। देख रहे हो मैंने नंबर प्लेट सुबह में साफ कर दिया था, पुलिस वाले रोक दे इससे पहले खुद साफ कर लो। हाँ हाँ फुल कर दो, वैसे फुल ही है ये, ले लूँ क्या पता 330 किलोमीटर के बाद भी ना मिले। अच्छा 480 रुपये ऑलमोस्ट 5 लीटर पेट्रोल आया इसमें। इससे अपना ये लेंस पोछते हैं, अच्छी अच्छी रील्स बनानी है ना। हो मैंने चैन लगा लिया, हाँ ठीक है ऑल सेट लेट्स गो। अभी देखो धूप निकली थी ना, अभी जस्ट धूप निकल रखी थी और अभी जस्ट मौसम चेंज हो गया, यही होता है भाई यहाँ पे अचानक से वेदर चेंज। बस अच्छे रोड का मजा लूँ। अरे भाई साहब ये स्वाद भी तो लेना है। ऊपर देखो भाई ग्लेशियर, वहाँ से पानी नीचे आ रहा है, देख रहे हो बर्फ की चट्टान। अब तो धीरे धीरे ये कॉमन होने वाला है देखते देखते। मैंने पता है घर से जब निकला था ना तो मैं सोचा था इस तरीके का जो अभी पीछे दिखा ना, छोटे छोटे झरने निकलेंगे ना रोड के पास से, तो मैं वहां नहाऊंगा। जब शिशु का पानी छुआ ना मेरी गांठ फट गई, फिर मैंने बोला नहीं भैया मैं वापस घर जाके नहाऊंगा। तो भाई अभी हम लोग क्या है ना जसपा में आ चुके हैं, ये है जसपा का गांव, और यहाँ पे कैंप्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अभी चलता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारा, और नीचे चलेंगे देखते हैं। भाई साहब ये भी बहुत खूबसूरत विलेज है जसपा का, जसपा तो यार काफ़ी मतलब यहाँ पे कैंपिंग के लिए ना बहुत फेमस है। और ये भाई बाइकर्स के ग्रुप देख रहे हो, जब बात ले जा रहे सारे, यही तो जिंदगी है भाई, यही तो लाइफ है, इसके अलावा है क्या जिंदगी में। देख रहे हो ये सारे कैंप है यहाँ पे, आप लोग को स्टेज के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे है ना अगर आप लोग इधर आते हो तो। और अभी हम लोग जसपा में ही यहाँ पे रुक गए हैं, कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट अच्छा सा दिख रहा था मुझे, और आगे डोम्स वगैरह भी बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब लाइक कैंपिंग वाला है। तो यहाँ से थोड़ा कुछ खाना वाना खाते हैं, फ़ोन तो निकाला ही नहीं। तो भाई एक प्लेयर यहाँ पे देखो जख्मी हो चुका है फुटबॉल खेलते खेलते। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है हमारा, और ड्रोन शॉट्स कैसा लगा भाई यार, पहाड़ देख रहे हो
और यहाँ पे डोम्स वगैरह भी बन रखे हैं। तो ये अच्छा सा रेस्टोरेंट था, हमने सोचा बैठ के कुछ खाते, तो पराठा तो एकदम बेकार था, कॉफ़ी ठीक ठाक था। मैं जो भी देता हूँ जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, और जिस होटल में आज मैं रुक के भी आया था ना शिशु में, वो भी महा बेकार था, है ना। उसका रिव्यू एकदम बेकार। मनाली वाला सही था भाई, वो वाला सही था। चलो फिर अपनी राइड फिर से स्टार्ट करते हैं ना। तो भैया ये आ गए ओवर ब्रिज पे, मस्त है ये, देख रहे हो, चिक 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 चिक। इतने इस मतलब लाइक हमने ना कितने सारे ऐसे ऐसे ना रोड को क्रॉस किए। ये भाई साहब देखो वीडियो बना रहा है, जब बात हो। इन्हें देखो रोड पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। दीदी है या भैया है, कौन है ये? अच्छा भैया वाला दीदी है। हो लोहान से स्पीति, ओके। इनका नाम है सुखदेव। ये कौन सा चेक पोस्ट है सर? दारचा। ओके ओके, वी शुड गो। ओके थैंक यू सो मच। पता नहीं भाई उन्होंने डिटेल्स क्यों ली, बट ओके सही है। तो ये रास्ता किधर किधर जाता है वो मैं आपको बता दूं। ये रास्ता जाता है भाई कारगिल के तरफ, निरकू, पदम और सिंकुला इधर जाता है, और इधर जाता है ले, बारालाचा, टांगला, टांगलिंगला, सरचू। तो चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। तो ये वो लोग जा रहे हैं भाई जो अभी मिले थे रास्ते में, लेह लद्दाख वाली टीम पूरी। भाई साहब इधर का रोड लेकिन मक्खन है एकदम। देख रहे हो ऊपर से पानी आ रहा है। चलो 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 चलो, सरचू रह रहा 67 किलोमीटर। दीपक ताल रह रहा है 4.3 किलोमीटर गाइस। ये रहा छोटा सा दीपक ताल है, ये आ गए भाई साहब दीपक ताल पे। ओ भाई यही है दीपक ताल, देख लो भाई। यहाँ पे मैंने अपना जैकेट वैकेट उतार दिया है और थोड़ा चलते हैं आप लोगों को घुमाते हैं नीचे दीपक ताल। ये रास्ते में पड़ता है बारालाचा, या फिर आप जो ले जा रहे हो ना तो उसके रास्ते में ये ताल पड़ता है। अंदर कुछ भी डाल जूते का ना वाटरप्रूफ रेजिस्टेंट देख रहा था कितना है, और मुझे लग रहा है ये भीग चुका है। क्या है देखो, अभी तो ट्रायल चल रहा है, उसके बाद बताऊंगा ये जूता है कैसा। तो भाई कमेंट करके बताना ये ताल कैसा लगा, देख रहे हो कितना क्लियर बढ़िया। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, ये कंटेंट मिलेगा कहीं, चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट जाके, फटाफट करो भाई। कितना मस्त मस्त फुटेज है यहाँ का,
और इंस्टा पे नहीं हो तो भाई ये आपकी गलती है। रील्स यार मस्त मस्त बनी है यहाँ पे, आ जाओ इंस्टा पे और देखो रील्स। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं हम लोग ये दीपक ताल के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं बारा लाचा, बीच में आएगा सूरज ताल, तो देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। भाई यार अब ये टूटे फूटे रोड भी, भाई अब ऑफ रोडिंग हो रही है तगड़ी वाली और मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा है। हो भैया मेरे तो फट गई गर्मी, ऊपर से ही ऑफ रोड देख रहा हूँ। तो भाई ऑफ रोडिंग ये बाइक यार सच बता रहा हूँ, यामा वाले स्पॉन्सर कर दो, देख रहे हो तो R1 तुम्हारी बाइक के साथ यार देखो मैं कहाँ कहाँ तक आ गया। अरे भैया 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 बच गए, मस्त वाली ऑफ रोडिंग हो गई। और मेरा जो इंस्टा 360 है ना वो थोड़ा सा उसका सपोर्ट डामाडोल हो रखा है तो थोड़ा मुझे और डर लग रहा है इस चीज़ के लिए। ये देख लो ये पूरा हिलने लगा, अरे अरे रुकना पड़ेगा गाइस, इसके लिए तो रुकना पड़ेगा, ये पूरी हिलने लगी। हाँ ये देख रहे हो पूरा स्टिक को हमने हटा दिया है क्योंकि यार ये कुछ ज़्यादा ही वो हिलने लगती है और हिलती है तो यार मैं डर जाता हूँ थोड़ा। ओ भाई प्यास लग रही है और हमने गलती ये कर दी कि हम पानी लेके नहीं चले थे। भाई साहब पहले पानी पीऊँगा अभी कहीं रुक के। ओ भाई यहाँ पे अभी रुके पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ पे पानी पियेंगे थोड़ा यार, उसके बाद ही आगे जाऊंगा मैं। ओ भाई देख रहे हो कैफे भी यहाँ के ऐसे है, मतलब कि मिट्टी डाल के ना और पत्थर डाल के बना रखे, दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस तरीके कैफे है और जो भी राइडर्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह आते हैं ना इधर तो दे मेंशन देयर स्टिकर। इस बार तो हमने बनवाया नहीं बट वी शुड गेट स्टिकर फॉर अस मोटो ब्लॉग एक्सप्लोर का एंड हम लोग कम पानी। नमस्ते पानी पिला दो दीदी एक बोतल जी। हाँ कितने का है? 30। ओके तो भाई यहाँ पे इतने टॉप पे 10 रुपये से एक्स्ट्रा पानी का लगता है। यहाँ पे रात को स्टे करने का भी है, क्या चार्ज है उसका? सॉरी 200। ओके ओके अभी हम लोग जा रहे हैं बारा लाचा पास। जी जी मेरा दुकान नहीं है। ओके ठीक ठीक है। तो भाई पानी पी लिया अब चलते हैं। जैसे ही मैं बाइक से उतरा ना मुझे चक्कर जैसा आने लगा अचानक, तो मैं यार 2 मिनट रुक गया। हो भाई पहले चल के ना पूछ पेट भर के खाते हैं ऊपर चावल दाल इस टाइप का, क्योंकि क्या है ना मैं बाहर का ना ज़्यादा ऑयली खाता नहीं हूँ। मुझे चावल दाल अचार दे दो भाई मस्त, चावल दाल चोखा दे दो मस्त, चोखा समझ जो ना आलू बैगन इस टाइप का, उसमें मैं मस्त हो जाता हूँ। देख रहे हो आगे एकदम सामने बर्फ पड़ रही है पूरी। तो भाई अभी हम लोग आ रहे थे स्पीड में बट हम तो बच गए, बीच में ये पत्थर वगैरह है तो भाई साहब ने सोचा इसे साइड कर दे, हटा दो हटा दो हटा दो। ताकि दूसरे जो भी बंदे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तुसी ग्रेट एक नंबर जी, खींचो 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 जब बात खींचो। ऐसे ट्रक जा रही है ना ऐसे 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 सब में भी ऊपर जाना है। तो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा है वो सूरज ताल के पास आ सकता है। ओ भाई दोस्ती यारी की कस्में खाई जा रही है यहाँ पे,
जब तक जिएंगे दोस्ती यारी एकदम अटूट रहेगी, है ना। ओ भैया, ओ भाई, तो गाइस, ओ भैया आ चुके हैं सूरज ताल। हाँ, तो भाई अब रील्स वील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। तो भाई रील्स वीडियो तो बना ली, जैसे ही मैंने हेलमेट खोला ना मेरी सांस फूलने लगी और चक्कर आने लगा बहुत तगड़ा। तो अब लग रहा है कि यार एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए था, मुझे चक्कर बहुत तगड़ी आ रही है भाई साहब। ओ भाई भाई, भाई, भाई थोड़ा चक्कर आ रहा है मुझे भाई साहब, चक्कर आ रहा है। ओ भाई, ठंडी हवा इतनी ज्यादा चल रही थी ना, तुरंत में पता है सांस फूलने लगा मेरा भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंडे आ रहे हैं भाई। मैंने जैकेट को ना ऊपर से ही रखा था, मुझे पता था कि इधर ठंड बढ़ेगी। बारालाचा पास के बीच में, और भाई मुझे चक्कर भी आने लगा अभी। यार भैया इधर आओ, मैं जल्दी से जैकेट खोलूंगा, जल्दी से मैं पहनूंगा ये, ठीक है। मैं क्या करूं? आप बस ये जैकेट पकड़ना, ठीक है। पकड़ो 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 पकड़ो, इससे हवा अंदर नहीं जाएगा, ये क्या है ना, इस वाले में हवा पूरा जाता है चेस्ट पे। जल्दी ना, ओ भाई कहाँ गया, एनर्जी नहीं है, पकड़ लो इसे, इसके हाथ को पकड़ो। कहाँ को भैया, अरे यार दे दो। देख रहे हो मौसम भाई, पाजी देख रहे हो मौसम अचानक कैसे चेंज हो गई। ओ भाई भाई मेरी तो फट गई यार, सच्ची बता रहा हूँ, ठंड अचानक से बढ़ गई यार। चलो भाई, आह हाँ अब ठंड नहीं लग रही, बट यार सर घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, देख रहे हो ये व्यू देखो, ये तो खड़ी चढ़ाई है भाई। ओ भाई, तो भाई ये आ गया अपना बारालाचा पास। एल्टीट्यूड 4050 meters। Sorry? I wouldn't have bought that bike up here. You're a braver man than I. Yeah, thank you, thank you. तो भाई ये रहा बारालाचा पास, देख सचिन आ गया। हो भाई, हो ये नजारा देखो भाई, माउंटेन माउंटेन माउंटेन। तो भाई सर चुपे आ चुके हैं, देख रहे हो। अब यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं, तो वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम ना लाइक मनाली मनाली या फिर कसौल मूव कर जाएं, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, तो हम लोग 7-8 बजे तक चले जाएं, ताकि
कल हम कसौल में रुके और देन उसके बाद हम लोग नोएडा के लिए मूव कर जाएं। सरचू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम सोच रहे हैं जाएं ना जाएं। ओह